हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। आज ना मैं आपके साथ देखिए इसका पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले देखिए मैंने क्या शेयर किया था, इस कार्डिगन डिजाइन को शेयर किया था और हमने देखे नीचे बॉर्डर कैसे बनाना है, उसके ऊपर डिजाइन कैसे बनाना है, ऊपर ऐसे कार्ड कैसे डालनी है, ये सारे मैंने दो पार्ट में आपके साथ शेयर कर लिया है। आप पार्ट 3 बना रही हूँ मैं इसका। तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे इस पैटर्न को मैंने ना सेट किया है। ये कैसे सेट किया है मैं आपको ये बताती हूँ। उससे पहले देखिए हमने नीचे जो बॉर्डर बनाना है, यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया हुआ है। देखिए हमने ना यहाँ पर जैसे बॉर्डर बनाया था, इसकी पिछले पार्ट में भी मैंने आपको एक दो रो बताई थी कि बॉर्डर बनाया है। नीचे देखिए यहाँ पर पहले हमने पट्टी बनाई है, उसके बाद देखिए बॉर्डर है ना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। इन फंदों की देखिए मैंने ये बटन पट्टी बनाई है और यहाँ पर देखिए हमने दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, ऐसे करते हुए हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में ना हमारे पास एक फंदा उल्टा बच गया था। यहाँ पर मैंने बॉर्डर में 40 फंदे लिए हैं, 40 फंदे लिए हैं। यहाँ पर देखिए उल्टे पार्ट में मैंने नीचे बॉर्डर में 70 फंदे लिए थे और ऊपर डिजाइन को सेट करने के लिए देखिए मैंने ये 76 फंदे रखे थे कार्डिगन में। 3 से 5 ईयर के बच्चे को ये आराम से कार्डिगन आ जाएगा, क्योंकि कार्डिगन ये वूल काफी स्ट्रेच होती है, तो देखिए ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए ये नीचे बॉर्डर में 40 फंदे रखे हैं, 35 फंदे तो देखिए यहाँ पर हाफ हो गए, 70 का 70 का हाफ करते हैं तो यहाँ पर 35 फंदे बनते हैं और 5 फंदे ये बटन पट्टी के रखे हैं, लेकिन बटन पट्टी हमने 7 फंदों की बनाई है। ठीक है, 5 फंदे लिए हैं हमने बटन पट्टी के लिए और यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर बॉर्डर के बाद 3 फंदे मैंने बढ़ा दिए हैं। देखिए ये सिलाई में मैंने 40 फंदे ले लिए हैं। 40 फंदे लेने के बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए 35 के हिसाब से लास्ट में जाकर एक फंदा हमारा ना उल्टा बचा था। ये पहले मैं बॉर्डर बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि आपको दिखाकर एक बार बनाऊं ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। बहुत बिगिनर भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपने बच्चों के लिए कार्डिगन बनाते हैं वीडियो देखकर, तो इसीलिए मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको दिखा के ही बनाऊं। जैसे यहाँ पर लास्ट में देखिए हमारे पास एक फंदा उल्टा आया है ना, ये दूसरी साइड से जब हमने देखिए ये अपना ये पार्ट ये पल्ला शुरू करना है, तो यहाँ पर पहले हमने एक फंदा उल्टा ही बनाना है, तभी हमारी देखिए ये पूरी ऐसे ही सेम टू सेम इन फंदों की सेटिंग होगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है, देखिए पहला एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। यहाँ पर पहली रो है तो फंदे थोड़े से टाइट होते हैं ऐसे, और मैं वैसे भी थोड़े से फंदे मुझे लगता है कि टाइट ही डालती हूँ। देखिए एक फंदा उल्टा बनाने के बाद दो फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, देखिए दो फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, दो फंदे सीधे। देखिए मैं यहां तक पहुंच गई हूँ, दो फंदे सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे डालते डालते। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने देखिए पहली वीडियो में आपको बताया था कि हमने ये पहले एक फंदा देखिए सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा 7 फंदे बना लिए। 7 फंदे देखिए इस पे यहाँ पर सीधा फंदा आया है, तो मैंने साथ में दो फंदे ये उल्टे बनाए थे, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे दो फंदे देखिए सीधे बनाने के बाद दो फंदे उल्टे ही आएंगे। ठीक है, सेम टू सेम उसी तरह से हमारा ये बनेगा, क्योंकि हमारे उतने ही फंदे हैं जितने देखिए इस पल्ले में हैं उतने ही इस पल्ले में हैं। सिर्फ आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है, बटन पट्टी को रखते हुए समय, इस देखिए पल्लों को बनाते समय एक बार बटन पट्टी हमारी देखिए जब हम फंदे डालेंगे रो को स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पर आएगी, जैसे ये वाली आई हुई है। एक बार पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद आपने देखिए जो फंदे यहाँ पर हमने 7 फंदे रखे हैं, अब यहाँ पर मैं अपनी बटन पट्टी रख रही हूँ। देखिए एक फंदा सीधा
धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और धागा दूसरी तरफ करते हुए इस लास्ट के फंदे को मैं सीधा ही बना लूंगी। ऐसे और उल्टी तरफ से देखिए फर्स्ट फंदे को उतारना है। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ उल्टा फंदा, धागा दूसरी तरफ ये सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ उल्टा, धागा दूसरी तरफ सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ करेंगे ये उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे देखिए ये दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे। ये पूरी रो हमने ऐसे ही बनाकर अपनी कंप्लीट करनी है और लास्ट में जाकर हमारे पास उल्टी तरफ से एक फंदा सीधा और सीधी तरफ से एक फंदा उल्टा आएगा। उसके बाद देखिए ये इतना हमने बॉर्डर बनाना है, पहले मैं ये बना लेती हूँ उसके बाद आगे दिखाऊंगी कि इस बटन पट्टी को हमने देखिए ऐसे ही स्ट्रेट कैसे बनाना है और यहाँ पर अपने पैटर्न को कैसे सेट करना है। देखिए ये बॉर्डर मैंने ना कंप्लीट कर लिया है बनाकर। अब हमने देखिए यहाँ पर अपने फंदे बढ़ाने हैं, ये सीधी तरफ है और ये रो मैं सीधी सीधी डालूंगी सारी, और सीधी सीधी डालते हुए यहाँ पर मैं तीन फंदे बढ़ा लूंगी क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाके देखिए हमने 76 फंदे किए थे, ठीक है, तो तीन फंदे हमने यहाँ पर जाकर अपने और बढ़ा लेने हैं इस सीधी रो में। देखिए इस रो को मैं सारा सीधा सीधा बनाऊंगी और यहाँ पर मैं अपने ना फंदे बढ़ा लूंगी। देखिए फंदे मैं ऐसे बढ़ाऊंगी, यहाँ से एक फंदा उठाया, इसे सीधा बुन लें। आप जैसे भी देखिए फंदे बढ़ाते हैं वैसे आप बना सकते हैं। और देखिए बॉर्डर बनाते समय आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने ना अपना ये बटन होल भी रखना होता है। ये बटन होल मैंने कैसे रखा है मैं आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन बटन होल ये रखना होता है तो ये आपने देखिए याद रखना होता है कि हमने बटन होल भी रखना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर अपना सेकंड कलर लगाना है और यहाँ से जैसे हमने देखिए इस पैटर्न को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे मैं सेट किया है वैसे ही आपको दिखाऊंगी। अब स्टार्टिंग के मैं पहले तीन फंदे ये ब्लैक से बना लूंगी ऐसे, और जैसे मैं देखिए अगर आपने इतने ही फंदे डाले हैं तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम वैसे ही सेट कर लेना है। और अगर आपने देखिए फंदे कम या ज़्यादा डाले हैं तो पिछला पार्ट जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है ना आपने वैसे ही देखिए इन फंदों की सेटिंग करने देखनी है पहले। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फंदे यहाँ पर देखिए सिलाई में डाले हैं उसके हिसाब से पहले तीन फंदे हमने देखिए ये ब्लैक से बना लिए, ठीक है। तीन फंदे ब्लैक से बनाने के बाद एक दो तीन चार, चार फंदों को उतार लेंगे। चार फंदों को उतारने के बाद अब यहाँ पर बीच में हमने वैसे ही एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, बीच में हमने सेम उतने ही फंदे डालने हैं। देखिए ऐसे आठ फंदे डालने के बाद चार फंदे उतार लेंगे। अब फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ फंदे डालने के बाद देखिए चार फंदे एक दो तीन चार, चार उतारेंगे। अब यहाँ पर हमारे लास्ट में देखिए ये एक दो
चार, पांच, ऐसे। जैसे हमने यहाँ पर देखिए अपने कार्डिगन में स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर छह फंदे देखिए रखे थे, छह फंदे यहाँ पर स्टार्टिंग में और छह फंदे लास्ट में हमने ऐसे रखे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ फंदे ऐसे डिवाइड करते हुए मैंने रख लिए हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे कार्डिगन का देखिए ये पैटर्न सेम वैसे ही बन रहा है। यहाँ पर देखिए फाइव फंदे रखने जरूरी थे, दोनों तरफ अगर चार चार फंदे करती थी तो ये पैटर्न नहीं सेट आ रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइव फंदे रखने बहुत जरूरी थे। तो यहाँ पर देखिए हमारी ऐसे हाफ डब्बी ये तैयार हो रही है, और ये देखिए ये बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ लास्ट में भी देखिए, यहाँ लास्ट में भी एक फंदा बच जाता है, दो फंदे इधर उधर हो जाते हैं, तो डब्बी पूरी बन रही है। देखिए यहाँ पर ऐसे बिल्कुल सेटिंग से देखिए ये पैटर्न हमारा पूरा आ रहा है। तो ऐसे ही थोड़ा सा हमने पैटर्न को ना सेट कर लेना होता है। और यहाँ पर देखिए आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है यहाँ पर, कि हमने देखिए जब अपना ये ये बटन पट्टी के फंदों को बनाना होता है तो हाथ थोड़ा सा हमने टाइट रखना होता है, हाथ को लूज नहीं रखना है, हाथ थोड़ा सा टाइट ही रखना होता है जब हमने देखिए इसे बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हमने सिंगल कलर से ये बटन पट्टी कैसे बनानी है ना। यहाँ पर हमने देखिए ये मैंने एक ही गोला लगाया हुआ है ऐसे, ये वाला, क्योंकि ये धागा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे देखिए दूसरा गोला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसकी भी मैं रो डालकर दिखाऊंगी आपको ये मैंने कैसे किया हुआ है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या है, ये धागा हमारा इधर रह गया है, इस तरफ रह गया है। तो यहाँ पर हम ब्लैक से तो नहीं बना सकते क्योंकि मैं एक ही कलर की देखिए ये पट्टी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना ना ये दूसरा कलर इसके साथ देखिए यहाँ पर मैंने गोला ले लिया है एक और अलग से, और यहाँ पर उसे मैं ना बांध लूंगी। पहले यहाँ से बांधने के बाद हमने इसे स्टार्ट कर देना है। देखिए पहले मैं इसकी नोट लगा लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अच्छे से ये पक्का हो जाना चाहिए। यहाँ पर अपना सेकंड कलर मैंने लगा लिया है। सेकंड कलर लगाने के बाद आगे के फंदों को मैं इसी कलर से देखिए अपने से बनाऊंगी ऐसे, एक फंदा सीधा एक उल्टा, इसे ऐसे बनाऊंगी। और इसे सिर्फ मैंने बटन पट्टी के देखिए फंदों को सिर्फ इस धागे से अब बनाना है ऐसे, सिर्फ बटन पट्टी के फंदों को। बाकी का सारा पैटर्न बनाने के लिए हमारे पास देखिए ये दो धागे हैं। और उल्टी तरफ से देखिए हमने पहले बटन पट्टी के फंदों को इसी तरह से बना लेना है ना, इसी धागे से बना लेंगे बटन पट्टी के फंदों को। देखिए ऐसे एक सीधा और एक उल्टा। देखिए इस बॉर्डर के साथ यही बटन पट्टी अच्छी लग रही थी तो मैंने इसे ही बनाया है। अगर आप कुछ और बनाना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। आगे जैसे पैटर्न के फंदों को हमने उल्टा बनाना है ना, तो पहले हमने इस धागे को देखिए ये वाला धागा है हमारा, इसे इधर ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ से फिर इसे नीचे से देखिए इस धागे को ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए अलग अलग ना हो हमारा, कोई होल ना आए यहाँ पर। तो हमने ऐसे देखिए इसे ना कंप्लीट करना है। तो इससे मैं पहले ये वाली रो ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आके आपको। अब यहाँ से देखिए दो दो रो, क्योंकि हम इस एक कलर से बनाएंगे और यहाँ से हमने अपना सेकंड कलर लगाना है, तो ये एक फंदा ही हमारे पास एक्स्ट्रा है ना। इस एक फंदे को हमने सीधा बनाया, अब इन दो फंदों को उतारेंगे और यहाँ पर हमने अपना पैटर्न सेम वैसे ही बनाना स्टार्ट कर देना है जैसे हमारा पैटर्न बन रहा है। देखिए सेम वैसे ही बाकी का सारा पैटर्न बनाएंगे। और अब मैं ये सारा बनाने के बाद आगे दिखाऊंगी आपको, जब ये पूरी रो मतलब कि यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर ये बटन पट्टी के फंदों को दिखाऊंगी आपको कि दोबारा हमने इसे कैसे बनाना है। अब यहाँ पर देखिए बटन पट्टी के फंदों तक पहुंचकर आपकी च्वाइस है, आप चाहो तो इसी कलर के साथ देखिए हम इसे बना सकते हैं है ना। अगर आप नहीं चाहते हो तो देखिए आपने ऐसे इसे पकड़ना है और यहाँ से देखिए हमने इस बटन पट्टी के फंदों को बनाना स्टार्ट कर देना है, जो अपना धागा हमने लगाया था सिर्फ बटन पट्टी के फंदों को बनाने के लिए।
आपने उस धागे से बनाने लग जाना है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप यहाँ से देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम इस फंदे से और इसी धागे से आप बनाना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगली रो में आपने फिर इसी धागे को उठा लेना है। जब हम ब्लैक से बनाएंगे तो इस धागे से आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं और हमने डिजाइन को कैसे सेट करना है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब रह गया बटन होल। बटन होल में ये एक दो मैं और रो डाल लेती हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी सी स्पेस में तो बटन होल बनेगा नहीं। थोड़ी सी देखिए ज़्यादा इतनी सी कर लेती हूँ पहले, मैं थोड़ी दो चार सिलाइयाँ और बना लूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर बटन होल बनाने के लिए देखिए ये मैंने ना बटन पट्टी के दो फंदे सीधा एक उल्टा ही बनाया है यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, देखिए इस फंदे को ऐसे ना सीधा कर लूँगी, इसे सीधा करने के बाद सीधा और ये उल्टा फंदा दोनों को एक साथ देखिए बना दूंगी ऐसे, दो का एक कर दिया। दो का एक करने के बाद सिलाई पर ऐसे धागे को लपेट लेंगे, सिलाई पर ऐसे धागे को लपेटेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, उल्टा बना लेंगे और ये सीधा, देखिए ऐसे हो गया। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए देखिए छोटे बटन होते हैं तो इतना बटन होल काफी होगा, फिर बाद में ये ना लूज भी हो जाते हैं थोड़े से। अब यहाँ पर हमने इस फंदे को निकाल लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर उल्टा, देखिए ये जाली डाली थी ना हमने, ये जाली वाला फंदा हम बनाएंगे, सीधा उल्टा सीधा उल्टा, और उसके बाद ये सारी रो हमने ऐसे ही देखिए धागे को ऐसे पकड़कर ऐसे नीचे से निकालना है। धागे को हर बार हमने जरूर बल देना है, जरूर बल देना है, और ऐसे ही देखिए ये हमारा, मैं आपको सीधी तरफ से दिखा देती हूँ एक बार, देखिए यहाँ पर ये हमारा ना बटन होल बन गया, और देखिए कितनी सफाई से ये बिल्कुल बना है। देखिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको, खर्चो देखो ये बन गया हमारा बटन होल। अब यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करती आई हूँ, देखिए यहाँ पर हर दो सिलाई के बाद देखिए ये हमारा धागा आता है, तो यहाँ से देखिए मैंने ऐसे अगर ये वाली पूरी रो मैंने ब्लैक से बनाई, यहाँ पर आकर मैंने ब्लैक धागे को ऐसे नीचे से इसको उठाया, स्किन को, ये बटन पट्टी के फंदों को ऐसे बना लिया, बाकी की सारी रो ऐसे ही। जब आप बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। और अगर आपको ये मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।